जय हिंद। सिर्फ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग एक्सेल रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। काफी कमाल का स्टॉक है, पिछले कुछ समय में और जबरदस्त रिटर्न निकाल कर अपने निवेशकों को दिया है। वह तकरीबन एक साल का अभी रिटर्न मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। एक साल में देख सकते हैं कि 125% का स्टॉक ने, पेनी स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिया है। और ये जो हैवी रिटर्न आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पेनी स्टॉक में संभव है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टॉक ग्रो कर चुके हैं उसमें पैसा लगाएंगे तो इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। इसके लिए यदि थोड़ा बहुत रिस्क आप ले सकते हैं तो इस तरह के स्टॉक में पैसा लगाइए। वहीं पर 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में भी स्टॉक ने तकरीबन 58% यानी कि लगभग लगभग पैसे को यहाँ पे भी डबल करते हुए नजर ये स्टॉक आ रहा है। पिछले सिर्फ 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में भी 2% के आसपास तेजी से स्टॉक में देखने को मिली है। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, जिस तरीके से कंपनी का काम धाम और जो फंडामेंटल है उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि थोड़ा समय के लिए भी अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं, थोड़ा भी लॉन्ग टर्म का विजन है, तो अभी भी आपको इस स्टॉक में कमाई करने का मौका मिल सकता है। कहाँ पे मिल सकता है यदि उस चीज को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे आगे इस कंपनी का जब हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड कंपनी को डिटेल्स में समझते हैं की वेबसाइट पे। सबसे पहले देखिए ये जो कंपनी काम करती है, ये आईटी इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आईटी से संबंधित इसका मेन कामकाज है। उसके अलावा कंपनी बीपीओ के सर्विसेज भी देती है। बीपीओ के सर्विसेज यानी कि कॉल सेंटर, जिसमें किसी कंपनी के बिजनेस आउटसोर्सिंग होता है जिसको लेकर काम किया जाता है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटीज में कंपनी इन्वॉल्व है, यानी कि मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी ये कूदी हुई है। तो क्या होता है कि कोई एक बिजनेस यदि कम भी चलता है तो इस कंपनी के दूसरे बिजनेस से ठीक ठाक कमाई हो जाती है, उससे इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इसलिए ये इस हिसाब से कंपनी ठीक है, क्योंकि किसी एक पूर्ण रूप से एक बिजनेस पे कंपनी आश्रित नहीं है। और यदि जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो तकरीबन 110 करोड़ के आसपास हमें इस कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिलता है। 110 करोड़ कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ से ऊपर हो जाता है तो कंपनी को सेफ जोन में आना माना जाता है, यानी कि इजीली इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये चीज ठीक है। हालांकि स्टॉक का पीई काफी महंगा है। यहाँ पे देखेंगे तो जो स्टॉक डिमांड में होते हैं उनका पीई महंगा होता ही है, क्योंकि बहुत से लोग इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो पीई महंगा हो जाता है। वैल्यूएशन वाइज स्टॉक महंगा है, शेयर प्राइस अभी भी आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज महंगा ही होगा। और सबसे बड़ी बात है कि बुक वैल्यू से भी कंपनी का शेयर प्राइस अभी लो चल रहा है। स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी जो देखेंगे तकरीबन 0.56% के आसपास से बहुत बढ़िया है, और आगे ये और भी बढ़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जितना ज्यादा हो वो अच्छा होना चाहिए। एक साल के चार्ट की यदि हम बात करते हैं तो चार्ट पर आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा कि स्टॉक का प्राइस अभी भी आपको कंसोलिडेशन रेंज में घूमते हुए नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एक लंबा डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन बनते हुए दिखा है। और जब भी चार्ट पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं तेजी का संकेत होता है। जहां जहां आप देखेंगे डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन चार्ट पर बन रहा है। और ये देखिए यहाँ से जब आप मिलाएंगे तो ये एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी कि बहुत जल्दी से स्टॉक एक ब्रेकआउट हो सकता है। अगर हम बाकी चीजों को छोड़ भी दे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा कि स्टॉक काफी समय से कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन रेंज में है। और कंसोलिडेशन रेंज में जब कोई स्टॉक होता है, जैसे होता क्या है कि एक एक स्टेप ऊपर ये यहाँ पे सरक के बढ़ रहा है स्टॉक। आप देख सकते हैं पहले इस रेंज में था, यहाँ से ऊपर निकला इस रेंज में आया, और फिर यहाँ से ऊपर निकला इस रेंज में आया। यानी का मतलब ये है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ से लगातार ऊपर ही जा रहा है और अब इसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में स्टॉक है। तो आपको करना क्या है कि यदि नया व्यक्ति है और इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो 90 पैसा से ऊपर निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं अगर आप अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो, और बाकी पहले से आपका इन्वेस्टमेंट है तब आप बने रहिए और ब्रेकआउट की इंतजार कीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट होगा आपको इस स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल जाएगा और ठीक ठाक कमाई आपको इस स्टॉक में हो जाएगा। तो और जो टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बातें निकल कर सामने आ रही, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया क्या करना है। नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, उससे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। अब बाकी कुछ और डिटेल्स को समझे तो यहाँ पर आपको क्वार्टर्स के रिजल्ट में देखने को मिलेगा कि पिछले 2-3 समय में कंपनी का जो सेल्स हुआ है 2-3 क्वार्टर में यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए दिखा है। लेकिन इससे आप घबराना नहीं है, देखिए क्वार्टर्स के नंबर हर 3-3 माह पे आते रहते हैं। हो सकते हैं कि आगे आने वाले जो 3 क्वार्टर्स के नंबर इससे अच्छे हो जाए, बिजनेस है उतार चढ़ाव होते रहता है। इस पीरियड में भी देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे बढ़ते हुए ही दिखा है। नेट प्रॉफिट में कुछ खास कमी नहीं हुआ है, सेल्स भले ही डिक्लाइन हुआ है लेकिन नेट प्रॉफिट जो जून क्वार्टर का जो लास्ट रिजल्ट है उसमें ठीक ठाक हुआ है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि कंपनी के जो अदर्स बिजनेसेस से कमाई है उससे कंपनी की कमाई ठीक ठाक हो गई है। तो जब अदर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मल्टीपल बिजनेसों में कंपनी कूदी हुई, तो मल्टीपल बिजनेसों में काम करने का यही फायदा होता है कि कंपनी के पास
एक बिजनेस में देखिए कमाई कम भी होती है, दूसरे बिजनेस से कमी का ठीक ठाक कमाई हो जाता है जिससे इसका काम चल जाता है। बैलेंस शीट में आपको देखने को मिलेगा कंपनी के पास कुछ खास कर्जा है नहीं, थोड़े बहुत यहाँ पे डेप्ट थे पिछले कुछ क्वार्टर में, लगातार कंपनी ने अपने डेप्ट को कम किया और अभी जाके डेप्ट लगभग डेप्ट फ्री हो गई है, ये कंपनी के पास अब कर्जा है नहीं और जो फ्री कैश फ्लो है वह भी आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। तो जब डेप्ट नहीं है और जो फ्री कैश फ्लो होता है वह भी बढ़ रहा है और इसके अलावा कंपनी प्रॉफिट में भी है, तो प्रॉफिट का पैसा अब जो आएगा क्योंकि कंपनी अब डेप्ट फ्री हो गई है, तो टोटल का टोटल पैसा कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लगाएगी। और बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब हुआ कि आपके यदि इसमें इन्वेस्टमेंट है, आपका जो भी शेयर है उसका प्राइस बढ़ेगा और शेयर के प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ है वह भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल बात यह है कि एक्सेल रियल्टी एक शानदार कंपनी है और जैसे मैंने बताया कि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है सेक्टर भी ठीक है, तो मतलब आने वाले समय में उसमें तेजी बने रहने की उम्मीद रहेगी, तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट होना बनता है। तो सही लेवल देख के आप जरूर इसमें बाई कर लीजिएगा। कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।